हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलीदार प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं, वो भी 9 से 10 साल के बच्चों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कटिंग के लिए मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। इस तरीके से हमें कपड़े को ओपन कर लेना है और अच्छे से बिछा लेना है, और ध्यान रखना है कि इसमें एक भी श्रिंक ना हो। अगर श्रिंक रहती है तो हमारी कटिंग सही से नहीं आएगी। इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और अच्छे से बिछा लेना है। अब हमने प्लाजो की लंबाई पर निशान लगा लेना है। प्लाजो की लंबाई हमें 36 रखनी है, तो हम 37 पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से हम पूरे में निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा है इसको हम बेल्ट बनाने में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे 4 पर। आपको ये बता दें कि हमें जितना नीचे की कली रखनी है उसका हाफ लेकर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हमने इस निशान से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी कलियाँ एकदम स्ट्रेट आएं। और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, इसको अब हम कट कर लेंगे। इसको कट करने से ये होता है कि हमारी जो कलियाँ होती हैं वो एकदम स्ट्रेट होती हैं और अच्छे से घेरा आ जाता है। अब हम दूसरा निशान लगाएंगे। हमें कली 3 इंच की रखनी है तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम दूसरा निशान लगाएंगे। आप चाहें तो इसी कली की कटिंग करके आप सारी कलियों की कटिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर 2 निशान लगा कर बताऊँगी। तो जो हमने इधर 3 इंच का निशान लगाया था, अब हम दूसरी साइड पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस साइड हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर इस साइड 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस साइड हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें सारी कलियों पर निशान लगाना है। इसी तरीके से हमने सारे निशानों को लगा लेना है। इसी तरीके से हमें सारी कलियों का निशान लगा लेना है। पहले हमने इस साइड पे 3 इंच पर निशान लगाया था, तो हम अब इस साइड 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड हमने 8 इंच पर निशान लगाया था, तो हम इस साइड अब 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रोसेस में हमें निशान लगाते चले जाना है सारी कलियों पर। इस तरीके से हमें पूरा निशान लगा लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसी तरीके से पूरा निशान लगा लिया है। ये हमारी 6 कलियों वाला प्लाजो है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें सारी कलियों की कटिंग इसी तरीके से कर लेना है निशान से। आप चाहें तो इस तरीके से एक ही कली पर निशान लगाएं और उसको कटिंग कर लें, और इस तरीके से कली को कपड़े के ऊपर रख कर सारी कलियों की कटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बट मैंने आपको पूरा निशान लगा कर बताया है। आपको जैसा सही लगे, इजी लगे, आप उस तरीके से रख कर कटिंग करें। इस तरीके से हमने यहाँ पर कलियों की कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। आपने अपने बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई अपनी कमर के हिसाब से रखनी है। यहाँ पे हमने
22 इंच लंबाई ली है और 2 इंच मार्जिन रखा है और 3.5 इंच चौड़ाई रखी है इस बेल्ट की। 2 इंच मार्जिन रखेंगे क्योंकि वो सिलाई में जाएगी। अब हमने इसे कट कर लेना है। इस तरीके से हमने सारी कलियों को खोल लेना है और एक बराबर कर लेना है। हमने सारी कलियों को खोल लिया है और एक साइड में कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमने कली को रखना है। और आपस में एक दूसरी कली को जोड़ देना है। इसी तरीके से हम सारी कलियों को जोड़ देंगे। एक पैर में हमें 6 कलियां रखनी है और एक पैर में हमें 6 कलियां रखनी है, तो हमें 6-6 कली जोड़ देनी है। यहाँ पे हमने 2 कलियों को जोड़ा है। इसी तरीके से हम इसमें अभी 4 कली और जोड़ेंगे तो ये हमारा एक पैर का घेरा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपनी सारी कलियों को जोड़ लिया है। एक पैर में हमने 6 कली जोड़ी है, ये देख सकते हो आप। इस तरीके से हमने कलियों को जोड़ लेना है। इसी तरीके से हमने अपने दूसरे पैर का भी घेरा तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमने दोनों पैर के घेरे को तैयार कर लिया है। हमने इस तरीके से दोनों पैर के घेरों को बिछा लेना है और आसन यानी क्रोच का हम निशान लगाएंगे। हम क्रोच का निशान 12 पर लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसमें म्यानी को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसमें म्यानी को अटैच करेंगे। आपने इसी तरीके से म्यानी को अटैच कर देना है। हमने एक म्यानी को अटैच कर दिया, अब हम दूसरी म्यानी को इसी तरीके से अटैच करेंगे। दोनों म्यानी को अटैच करने के बाद हम प्लाजो की फिटिंग कर लेंगे। हमने इस तरीके से प्लाजो की फिटिंग कर लेनी है। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। हमने इस तरीके से प्लाजो को उल्टा रखना है और बेल्ट को अटैच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्लाजो को उल्टा रखा है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने प्लाजो को इस तरीके से सीधा कर लेना है और जो हमने बेल्ट को अटैच किया था इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। हमने पूरे में सिलाई लगा लेनी है, लेकिन हम थोड़ी सी सिलाई को छोड़ देंगे। हमने इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है इलास्टिक को लगाने के लिए। अब हमने इस तरीके से इसके अंदर इलास्टिक को लगाना है। अब हमने इलास्टिक पर भी सिलाई लगा लेनी है और जो हमने थोड़ी सी जगह इलास्टिक लगाने के लिए छोड़ी थी हम उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो गई है, वो भी कितनी फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर हमारा 6 कलियों वाला प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। मैंने आपको प्रॉपर इसकी कटिंग करके और स्टिचिंग कर दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह।